हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन दूंगा और आप 20 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील काउजेज। ऑप्शन है डिक्रीजेज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीजेज इन डक्टिलिटी। ऑप्शन बी है इंक्रीजेज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीजेज इन डक्टिलिटी। ऑप्शन सी है डिक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ऑप्शन डी है इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी। कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने से जो है डक्टिलिटी डिक्रीज करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 2 है, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट इंट्रोड्यूजेज। ऑप्शन ए है स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज। ऑप्शन बी है ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी। ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस। ऑप्शन डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द एबव। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो से जो है कंक्रीट में होता है क्रीप और श्रिंकेज रिड्यूज होता है, ग्रेटर डेंसिटी होगा और परमेबिलिटी रिड्यूज होता है। इम्प्रूव्ड फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज बाय यूजिंग। ऑप्शन ए है लेस वाटर फाइन एग्रीगेट रिच मिक्स। ऑप्शन डी है मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा जिससे जो है इंटरनल फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डम्मी एक्टिविटी। ऑप्शन ए है इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 है ए डम्मी एक्टिविटी। ऑप्शन ए है इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूज। ऑप्शन बी है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। ऑप्शन सी है डज नॉट कंज्यूम टाइम। ऑप्शन डी है ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। डमी एक्टिविटी जो है कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करता है, ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंकिंग फंड इजा। ऑप्शन ए है द फंड फॉर रीबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर। ऑप्शन बी है रेज टू मीट मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑप्शन सी है द टोटल सम टू बी पेड टू बी म्यूनिसिपल अथॉरिटी बाय द टेनेंट्स। ऑप्शन डी है ए पार्ट ऑफ अ मनी केप्ट इन रिजर्व प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैविटेशन विल बिगिन व्हेन। ऑप्शन ए है द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीचेज एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन बी है प्रेशर बिकम्स मोर देन क्रिटिकल प्रेशर। ऑप्शन सी है फ्लो इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन डी है प्रेशर इज इंक्रीज्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीचेज द एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज। ऑप्शन ए है मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल। ऑप्शन बी है मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वॉल। ऑप्शन सी है जीरो एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वॉल। ऑप्शन डी है मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम जो है सेंटर पे होता है और मिनिमम जो है वॉल नियर द वॉल होता है। क्वेश्चन 8 है, द वेलोसिटी थ्रू अ चैनल ऑफ सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज डैश द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर चैनल। ऑप्शन है 0.34 टाइम्स, 0.67 टाइम्स, 0.81 टाइम्स, 0.95 टाइम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.81 टाइम्स जो है होता है डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल का, तब वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होता है। डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम होता है 0.95 टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल पे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द केस ऑफ एन इमर्ज्ड बॉडी एक्ट थ्रो, ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर से रिजल्टेंट जो है प्रेशर पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ऑप्शन ए है बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स इज अकाउंटेड फॉर, ऑप्शन बी है रिवेटेड होल इज अज्यूम टू बी कम्प्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट, ऑप्शन सी है स्ट्रेस इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, ऑप्शन डी है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवेटेड होल इज अज्यूम टू बी कम्प्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्ट्रेस इज प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म माना जाता है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज टू, ऑप्शन ए है ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप प्लेंज टू द बॉटम, ऑप्शन बी है प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेव, ऑप्शन सी है डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेव, ऑप्शन डी है प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्न्ड एज, ऑप्शन ए है स्ट्रिंगल बीम, लिंटर बीम, स्पेंड्रल बीम, हेडर बीम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर ब्रिक कंस्ट्रक्शन द लाइम सैंड मोर्टार इज, ऑप्शन ए है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल्किंग ऑफ सैंड इज, ऑप्शन ए है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है मिक्सिंग ऑफ लाइम विथ सैंड, ऑप्शन सी है मैक्सिमम वाटर विथ सैंड, ऑप्शन डी है स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन है विकेट अपर्टस, स्लम्प टेस्ट, मिनिमम वॉयड मेथड, ऑप्शन डी है टैलबॉट रिचर्ड टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लम्प टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट, ऑप्शन है ए है इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, डिक्रीजेज वर्केबिलिटी, डिक्रीजेज रेसिस्टेंस टू वेदरिंग, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, एयर इंट्रेंड करने से कंक्रीट का वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया डिक्रीजेज रेसिस्टेंस ऑफ टू वेदरिंग, वेदरिंग का रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है एयर इंट्रेंड करने से, और स्ट्रेंथ जो है रिड्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फोर, ऑप्शन ए है वेटर मिक्स, ऑप्शन बी है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, ऑप्शन सी है कोर्सर ग्रेडिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ अ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन अ कैनाल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है बर्म, फ्रीबोर्ड, हाइट ऑफ बैंक, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लीच थ्योरी ऑफ सीपेज एज्यूम्स, ऑप्शन ए है इक्वल वेटेज टू द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रीप, ऑप्शन बी है मोर वेटेज टू हॉरिजेंटल क्रीप देन वर्टिकल क्रीप, ऑप्शन सी है लेस वेटेज टू हॉरिजेंटल क्रीप देन वर्टिकल क्रीप, ऑप्शन डी है लॉस ऑफ हेड फॉलो द साइन कर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल वेटेज टू द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रीप। क्वेश्चन नंबर 20, वाटर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल कैन बी, ऑप्शन ए है नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ऑप्शन बी है टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100, ऑप्शन सी है बी लेस देन
0%, ऑप्शन डी है बी ग्रेटर देन 100%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ज़्यादा भी वाटर कंटेंट हो सकता है।